हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क टाइम एंड वर्क। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी चैप्टर्स ख़त्म करे हैं और कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट वीडियो में मैंने कराया था आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और आपको जो भी चैप्टर करना है उसकी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो में बेसिक समझाएं। अब बेसिक में क्या करना है कि किस तरह से हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करके इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली तीन तरह से इस चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज़ LCM मेथड, उसके बाद आपका आता है फ्रैक्शन मेथड, और लास्ट में आता है आपका परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड मोस्ट जो बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा जगह फॉलो किया जाता है, वो है LCM मेथड। ज़्यादातर बच्चे इसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी को आता होगा LCM मेथड, बट स्टिल हम एक बार बेसिक से देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे आंसर्स निकालते हैं। अब टाइम और वर्क के चैप्टर में आपसे क्या होता है कि दो चीज़ें दी होती है, या उन दोनों में से आपको कई बार एक का डाटा दिया होता है और दूसरा निकालना होता है, कई बार दूसरे का दिया होता है और पहला निकालना होता है। अब बात यहाँ पर पूरे में आपकी चलेगी वर्क और टाइम में। कई बार आपको दिया होगा कि ये ए है, वो सर्टेन टाइम में काम को ख़त्म करता है, तो आपको निकालना है कि उतने में टाइम में वर्क कितना कंप्लीट हुआ होगा। या फिर वही रिवर्स में अगर आपसे दिया होगा, तो दिया होगा कि ए इतना काम ख़त्म करता है, तो बताओ अगर ए एक्स दिनों में इतना काम ख़त्म करता है तो वाई दिनों में वो कितना काम ख़त्म करेगा। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला LCM मेथड हम स्टार्ट करेंगे। LCM मेथड कैसे होता है, अब सपोज़ आपके पास दो दिए हैं इस चैप्टर में, आपसे एक से ज़्यादा ही हर बार पर्सन्स दिए होंगे। राइट, तो पहले आप देखो, आपको दो पर्सन दिए हैं, ठीक है, ए और बी। अब बोला है कि ए एक अमाउंट ऑफ वर्क वन, ठीक है, अब दैट वर्क कैन बी एनीथिंग, वेदर मेकिंग चेयर्स और टेबल और एनीथिंग। राइट, तो वो काम को वो 10 दिनों में ख़त्म करता है। वेयर एज अगर हम बात करें बी की, तो बी फिनिशेस दैट वर्क इन 20 डेज। ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पर डेज जो दिए हैं उसको एनालाइज करते हैं। ए एक सर्टेन काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी वही काम को सेम 20 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, अब अगर हम इस डेटा के थ्रू देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ए जो है वो जल्दी काम ख़त्म कर रहा है बी के कंपैरिजन में। कि तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, व्हाट डज दिस एक्सप्रेस, कि ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। राइट, ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बी से बाय, बिकॉज ए जो है वो एक वही काम को, जिस काम को बी 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, आधे दिनों में ख़त्म कर देता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए जो है वो एफिशिएंट है बी से। ऑल्सो एक और बात कि जो ज़्यादा काम करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, पहले आगे का देखते हैं। जो अब हमने यहाँ से पता चल गया कि ए जो है वो सर्टेन काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, पहली चीज़। अब अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वर्क एक दिन में वो कितना करते हैं, तो हमें कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास टोटल काम होगा, जब हमारे पास टोटल काम होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, तो हमें पता चल जाएगा कि ए या बी एक दिन में कितना काम करता है। राइट, जब हमारे पास टोटल वर्क होगा, उस टोटल वर्क से हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक दिन में कितना काम ख़त्म करता है ए। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालें, तो LCM मेथड में हम टोटल वर्क निकालते हैं दोनों के डेज़ का LCM निकाल के। दोनों के डेज़ का LCM निकाल के हमको क्या पता चलता है कि ये जो LCM आया वो होगा टोटल नंबर ऑफ वर्क। ठीक है, तो सपोज़ जो हमारा टोटल काम था वो 20 था। राइट, टोटल काम कितना था, 20 था। अब ए अगर वही टोटल काम 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 2 करेगा, यानी कि एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तभी वो 10 दिन में पूरा, यानी कि जो कितना है 20 काम है वो ख़त्म कर रहा है। राइट, और वहीं अगर हम बी का देखें, तो बी टोटल दिन लेता है 20, टोटल काम कितना है 20, तो एक दिन में कितना करेगा, 1। राइट, अगर वो एक दिन में एक काम करेगा और टोटल काम उसका 20 है, तभी तो वो 20 दिन लेगा।
राइट right? तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने ए लेता है और कितना बी लेता है। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो ए है वो 10 दिन काम करता है, बट एक दिन में, तो जब ए ए जो है वो ए 10 काम करता है और एक दिन में काम 2 करता है, और बी 20 दिन लगाता है और एक दिन में काम 1 करता है। तो अगर आप ये चीज़ देखो, ये दोनों को कंपेयर करो और बीच का सब छोड़ दो, यानी कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलती है, ए कम डेज़ ले रहा है पर ज़्यादा काम कर रहा है, और बी ज़्यादा डेज़ ले रहा है और बी ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा, ए जो है वो कम डेज़ ले रहा है और ज़्यादा काम कर रहा है, और बी ज़्यादा डेज़ ले रहा है और कम काम कर रहा है एक दिन में। इससे क्या पता चलता है कि ये जो दोनों हैं वो क्या है, ऑपोजिट हैं, ठीक है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। क्या डेज और वर्क, जो जितनी ज़्यादा डेज लेगा वो इतना कम काम करेगा एक दिन में, और जो जितना कम डेज लेगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा एक दिन में, राइट। यहाँ से ये पता चली हमें बात। तो ये था हमारा क्या, LCM मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ परसेंटेज मेथड। अब ये दोनों देखो, ये है पहले आपका फ्रैक्शन मेथड और उसके बाद आपका क्या है, ये परसेंटेज मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड भी काफ़ी यूज़ होता है, बट जो हमारा ये परसेंटेज मेथड है ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, या जहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा सिंपल हो वहाँ पर हम इसे इजीली यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड को अगर आप देखो तो फ्रैक्शन मेथड क्या है, सेम चीज़ मैंने ली है कि एक एक ए जो है वो पूरा टोटल काम 10 दिन में ख़त्म करता है और बी जो है वो टोटल काम 20 दिन में ख़त्म करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपना टोटल काम जो है वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में तो 1/10 पार्ट ही करेगा ना। अगर आप यही चीज़ अगर आप फ्रैक्शन में देखो, जैसे ये है हमारा सर्कल है, अगर मैं इसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 1/10 कितना होगा, 1 पार्ट, यानी कि वही एक दिन में कितना, 1/10, राइट। ये चीज़ समझ आई। वहीं पर बी अगर देखो तो बी क्या है, बी अगर टोटल काम 20 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। और ऐसे ही हम कैसे कहीं किसी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो 5 दिन का भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे भाई, अगर बी जो ए जो है वो टोटल काम 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक दिन में 1/10 ख़त्म करता है, तो एक दिन का काम इनटू मैं करूँ 5 डेज से, तो मुझे पता चल जाएगा वो 5 डेज में कितना कर रहा है, तो कितना का आएगा, हाफ़। यानी कि अगर ए 10 दिन में टोटल पूरा काम ख़त्म कर रहा है तो ए 5 डेज में हाफ काम ख़त्म करेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अगर मैं वहीं देखूँ बी का, बी अगर एक दिन में 1/20 काम ख़त्म करेगा और मुझसे पूछा है कि बी जो है 5 डेज में कितने करेगा, अगर एक दिन का काम इंटू मैं 5 डेज से करूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो कितना आएगा, 1/4 काम, यानी कि बी अगर 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है सारा काम, तो 5 डेज में कंप्लीट करेगा 1/4 का, राइट। और अगर मुझसे पूछा है कि दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, तो कितना आएगा, ए का एक दिन का काम ऐड करूँगी मैं बी के एक दिन के काम से, तो वो मेरा आ जाएगा टोटल एक दिन का काम वो दोनों कितना कर रहे हैं। और अगर यहीं पर मुझसे पूछा जाए कि दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, यही उनका एक दिन का काम इंटू 5 डेज का काम। मैंने आपको जो प्रीवियस था LCM मेथड उसमें एक चीज़ नहीं बताई, पहले वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इतना तो बता दिया था कि दोनों मिलके इतना काम कर रहे हैं, तो यहीं पर अगर दोनों का मैं एक दिन का काम ऐड करूँगी विच इज़ 3, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और मुझसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है, 20 है, तो ये 20 काम वो कितने डेज में फिनिश करेंगे, तो एक दिन का काम डिवाइडेड बाय टोटल काम कर दूंगी मैं, यानी कि टोटल काम को किससे डिवाइड करूंगी, एक दिन के काम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि वो टोटल काम कितने डेज में ख़त्म करें, विच इज़ 20/3, राइट। ये चीज़ समझ आई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ इस फ्रैक्शन मेथड से निकालूं कि वो अगर एक दिन में इतना काम ख़त्म कर रहे हैं तो टोटल कितने डेज लगेंगे उनको काम ख़त्म करने में, तो भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पर तुमने देखा कि ए जो है वो सर्टेन काम 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि एक काम वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में क्या होगा, जितना वो काम ख़त्म कर रहा है एक दिन में, जितना वो काम ख़त्म कर रहा है टोटल डेज में, यानी कि
एक्स नंबर ऑफ डेज अगर वो ले रहा है एक काम ख़त्म करने में, तो एक दिन में कितना करेगा उसका रेसिप्रोकल, यही ना, उसका रेसिप्रोकल ही तो होगा एक दिन में, वही तो चीज़ हमने देखी, राइट। तो यहीं से आप ये देखो, अगर ए और बी मिलके दोनों काम ख़त्म कर रहे हैं, सॉरी दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं 3/20, तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या लेंगे भाई, ये है, ये चीज़ यहाँ पर दी है, राइट। 1/x क्या है, एक दिन का काम, एक दिन का काम दिया है, तो फिर x यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, विच इज़ 20/3, और हमने एलसीएम मेथड में क्या देखा था, यही था आंसर, समझ आया। तो इससे मैंने क्या बोला था, उनका एक दिन का काम और उनका टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे के। अगर आपसे बोला जाएगा कि जो ए है वो आपका एक दिन का काम यानी कि एक दिन में वो 5/11 काम करता है, तो बताओ टोटल काम कितना है, तो टोटल काम होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज वो लेगा 11/5, यानी कि ये जो दोनों हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, विच इज़ वर्क और टाइम, राइट। अब देखते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या है, सेम डाटा, ए और बी जो है वो 10 और 20 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम टोटल काम को 100% देते हैं, भाई 100%, आप किसी से बोलते हो कि मुझे ये काम 100% फिनिश चाहिए, तो वही तो बात है कि अगर मैं टोटल काम को 100% मानूं, अगर ए एक दिन में 10 काम कर, सॉरी ए जो है वो टोटल काम फिनिश करता है 10 डेज में, तो एक दिन में 10% ही तो काम ख़त्म करेगा, भाई टोटल काम तुम्हारा इतना है, 10 डेज ले रहा है तो कितना बचा, 10 बचा, 10% काम एक दिन में ख़त्म करता है। और वहीं पर जो बी है, जो बी है अगर वो 20 दिन लेता है काम करने के लिए, टोटल काम आपका 100 है, तो 100/20 विच इज़ 5, और इससे क्या पता चलता है कि बी जो है वो एक दिन में 5% काम ख़त्म करता है, राइट। ए जो है वो एक दिन में 10% काम ख़त्म करता है, बी एक दिन में 5% काम ख़त्म करता है, दोनों मिलके एक दिन में 15% काम ख़त्म करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 15% काम ख़त्म करते हैं, तो 15% काम है कितना, अगर दोनों मिलके एक दिन में 15% काम ख़त्म करेंगे, तो भाई टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने लेंगे, विच इज़ 20/100, सेम, राइट। तो आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपका सेम आएगा, बट आपके ऊपर है कि वहाँ आपको किस तरह का डेटा दिया है और किस तरह में आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा है वही फॉलो करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये वीडियो मैंने आपको बेसिक बताने के लिए सिखाया था, अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, और आपको जो भी मेथड पसंद आया आप वो यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।